भाई ये देखो अपना कार के साथ कोई पिचकारी मार दिया यार, देख रहे हो कैसा हो गया भाई। मतलब इतना चल रहा है ना, इतना फोर व्हीलर चला रहा है ना, फिर भी किलोमीटर पता ही नहीं चल रहा भाई। चला रहे हैं तकरीबन आधा घंटा से, आधा घंटा में मात्र सोचो ना तो 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर सिर्फ गाड़ी आगे बढ़ रही है। कैसा रोड है सोच के बता सकते हो। अगर पानी देखो, ये देख रहे हो, देखो दोनों पानी मिक्स नहीं हो रहा, अलग अलग होके जा रहा है दोनों पानी, देख रहे हो। देखो भाई पहाड़ इतना भयानक, इतना ठंडा ठंडा सा हवा आ रहा है ना, पूछो ही मत। अभी यहाँ से 15 किलोमीटर और अपने को जाना है। अब लोग यहाँ पे कार को लगाए हैं, थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं क्योंकि भाई काफी ज्यादा थक चुके हैं, बहुत ही ज्यादा थकान हो चुका है क्योंकि एसी बंद करके अपने को चढ़ानी पड़ रही, क्योंकि कोई भी गाड़ी को ना उतना पावर नहीं मिल पाती है जब ऊपर चढ़ोगे ना पहाड़ पे, तो एसी बंद करके इतना ऊपर चढ़ाने में पावर मिलेगी पर ना ऐसे पावर नहीं मिलती है। ये देख रहा फ्लाईओवर प्लस साइड में सामने की साइड देखो माउंटेन एकदम मस्त वाला लुक दे रहा, प्लस ट्री पौधा का बहुत, तो भाई मतलब जब पहाड़ पे पौधा हो ना तो उसका सीन ही कुछ अलग हो जाता है। तो जय श्री राम गाइस, कैसे हो आप लोग, आई होप आप लोग बढ़िया होगे, मस्त होगे, स्वस्थ होगे और हमारे वीडियो देख रहे होगे। सो गाइस आज दिल्ली टू बद्रीनाथ का ब्लॉग नंबर 3 है, तो आज अपन लोग बद्रीनाथ की तरफ निकल चुके हैं ऋषिकेश से। और फिर गाइस मतलब क्या ही बोले यार, इतना खतरनाक वाला रोड है ना, आज तक मैंने कभी ऐसा रोड पे ड्राइव नहीं करा। ये तौस वाले जो गए थे ना पिछला बार मनाली ट्रिप पे, सेम वैसा ही रोड है। अपन लोग सोचे कि जो अपन लोग टाटा के साइड जाते हैं ना, कोलकाता के साइड जाते हैं ना, तो वो क्या उसको बोलते हैं, वो मिलता है ना वैसा होगा, बट उससे कई गुना ज़्यादा डेंजरस वाला ये रोड है, बहुत ही डेंजरस है। और अपने पास क्विड है जो कि काफ़ी खुद में क्यूट कार है, तो इसी से जा रहे हैं अपन लोग। बस देखते कैसे जाते हैं क्योंकि अभी तो उतना ठंड नहीं इधर है, लेकिन हाँ एक पहाड़ क्रॉस करेंगे ना, क्योंकि अभी पहाड़ के बहुत ऊपर ऊपर चल रहे हैं हम लोग, ऊपर आ चुके हैं लगभग, नहीं भी तो मानो 200-300 फीट ऊपर आ चुके हैं, 200 फीट मान सकते हो, हाँ 200 फीट आराम से ऊपर आ चुके हैं। तो अभी ये वाली पहाड़ क्रॉस करेंगे, नेक्स्ट वाला से ठंडा लगना स्टार्ट होगा। हालांकि कुछ कुछ ठंडा अपने को लगना स्टार्ट है क्योंकि उस तरफ वाला ना बद्रीनाथ में ना भाई पूरा बर्फबारी हो रही है, जो पानी हम लोग की तरफ गिरता है ना वो बर्फ गिर रहा है, फॉग स्नो, तो -4 डिग्री सेल्सियस है। तो शायद आगे जाएंगे तो टी शर्ट के ऊपर जैकेट डालना पड़ेगा अपने को। सो बस अभी अपन लोग यहाँ से निकलते हैं जल्दी और आपको दिखाते हैं गाइस कैसा रोड है यहाँ का, तो जरूर देखना अभी रोड। सो भाई ये देखो, ये अपना चना प्याज और मिर्च, और ये अपना लाइट जला हुआ है कार का, और अपन लोग देखो कहाँ पे साइड करके रखे हुए। देखो सामने का दुकान ना ऐसे ही ओपन है, कोई चोरी वोरी नहीं होता यार, इधर का क्या है पता नहीं बट कोई चोरी वोरी नहीं है, पूरा ओपन है। और ये अपना मस्त वाला चना, अपन लोग इसको खाते हैं और फिर निकलते हैं। अभी देख रहे हो भाई ये देखो अपना कार के साथ कोई पिचकारी मार दिया यार, देख रहे हो कैसा हो गया। और ये देखो अभी भाई मतलब पहाड़ के साइड इधर अपना पेट्रोल खत्म होने को, इसलिए नायरा में अपन लोग पेट्रोल लेने के लिए आए हैं। प्लस इधर का नज़ारा मैं अभी आपको दिखाता हूँ, पहले इसको क्रॉस होने दो क्योंकि भाई जान बची तो लाखों पाए, ऐसा वाला डायलॉग सुना है ना भाई, ट्रक आ रही है हिंदुस्तान पेट्रोलियम। बहुत बिजी रोड है भाई, बहुत बिजी, पढ़ाई पहाड़ पे चढ़ाई हो रही है ना तो बिजी तो होएगा ही ना। ये देखो सारा बस कार ट्रक क्या क्या होते हैं भाई, लॉरी तोरी सारा कुछ क्रॉस हो रहा है। अभी ये देखो ये आ गया, अभी इधर का नज़ारा देखो ना भाई नीचे का, और ये भाई सब ऐसा नज़ारा भाई देख रहा हूँ नीचे के साइड कितना भाई, ये देख लो कितना नीचे, वो सारा रोड दिख रहा है ना सारा, अपन लोग उधर से चढ़ के ही आए हैं तो सोचो कितना डिस्टेंस तय किएंगे। अभी नीचे कितना होगा, मैं एक से मान के चलो ना तो 800 से 900 फीट नीचे होगा, अभी 800-900 फीट अपन लोग ऊपर चढ़ चुके, अभी और अपने को जाना है गाइस पूरा। तो अभी अपन लोग देखते हैं और कितना चलते हैं क्योंकि तेल नहीं थी गाड़ी में, और यहाँ पे पेट्रोल पंप मिली है जो कि सुबह। ये देखो ये देव प्रयाग है, देख रहे हो ये एक अलग नगरी है भाई देव प्रयाग। और अभी इसके बाद ना अपन लोग जोशीमठ पहुँचने वाले हैं जो यहाँ से तकरीबन 170 किलोमीटर के आसपास है। और ये देव प्रयाग देखो भाई मतलब कितना स्पीड से पानी देख रहे हो कितना तेज धारा में, और ये भाई कितना सुंदर सा कितना प्यारा सा लग रहा है, ये मतलब जगह कितना प्यारा लग रहा है, देख रहे हो
और मौसम धूप कोई नज़ारा नहीं, क्योंकि उसके आगे ही बर्फ वाला वो एरिया आने वाला बद्रीनाथ। तो उससे पहले अपन लोग जोशीमठ में रुकेंगे, उसके बाद बद्रीनाथ की तरफ एक दिन स्टे करके जाएंगे। और फिर यहाँ का पानी देखो, ये देख रहे हो उधर वाला पानी, देखो दोनों पानी मिक्स नहीं हो रहा, अलग अलग होके जा रहा दोनों पानी, देख रहे हो अलग है कलर, कभी देख रहे हो मिक्स नहीं हो पा रहा। वहाँ पे देखो वहाँ से दोनों एक साथ हो रहा ना, लेकिन मिक्स नहीं हो रहा। देखो पानी जिस इधर वाला ग्रीन टाइप का पानी है ना, उसी तरफ जा रहा है अलग से। तो यहाँ का ये यूनिक चीज़ है गाइस। तो बस अभी अपन लोग यहाँ से निकलते हैं और आगे की ओर चलते हैं, क्योंकि 180 किलोमीटर यहाँ से और है अपन लोग को तय करना। तो अभी चलते हैं और अपना फोर व्हीलर वहाँ पे मस्त वाला लगा हुआ है भाई, बहुत ही बिजी रोड है यार, समझ रहे हो ना। और इधर से अपन लोग वीडियो भी बना रहे हैं, तो भाई मस्त है। सो फाइनली भाई अभी अपन लोग रुद्रप्रयाग पहुंच चुके हैं, यहाँ का पानी देख रहे हो। तो ये कुछ ऐसा है, और फिर इधर का वेदर देखो भाई, मतलब इधर का जो क्लाइमेट होती है ना, माउंटेन है ना प्लस पेड़ पौधे है ना, वो देखो भाई, मतलब व्यू काफी ज्यादा तगड़ा वाला इधर का आ रहा है। ऊपर का व्यू देख रहे हो कैसा, इधर वाला पहाड़ का व्यू और ये रोड। अभी अपन लोग सुबह से ड्राइव करते ही जा रहे हैं, मतलब कब खत्म होने वाली पता नहीं। और फिर ये अपना कार, और इधर का नज़ारा देखो ना, तो काफी हेवी वाला लग रहा है, बहुत ही प्यारा सा डिसेंट सा लुक दे रहा है। ये देख रहे हो ये भाई, मतलब यार खुद में ही एक मस्त वाला सीन हो जाता है यार, कि अपन लोग इस लायक भी हो चुके हैं कि अपन लोग इतना दूर घूमने के लिए आए, प्लस आप लोग को भी दिखा रहे हैं ये सब वीडियो। और फिर ये पंछी देखो भाई, ये किस चीज़ का पंछी है, कैसा है ये देख रहे हो, यहाँ पे अंदर चला गया, ये देखो ये यहाँ पे ये दिख रहा है, ये डाली पे है, ये देखो ये कौन सा पंछी, बहुत प्यारा लग रहा है, बिल्कुल पैरोट की तरह, बट ये पैरोट है नहीं, तोता नहीं, इसका चोंच देखो ना, तो चोंच एकदम अलग है। मैंने यहाँ पे आने के बाद ना बहुत सारी पक्षी ऐसा देखा ना मैंने, कि भाई बिलीव नहीं हो रहा कि मैं ऐसा भी पक्षी देख सकता हूँ। ये देखो व्यू इधर का, बहुत ही अच्छा व्यू है यार। तो अभी आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अभी बहुत ही लंबा रास्ता तय करनी है अपने को। और फिर ये अपना कार, और मैं बस वीडियो बना रहा हूँ। और देखो भाई, मतलब इधर तो काफ़ी मस्त मस्त सा सीन भी मिल रहा है। तो अभी आगे चलते हैं और फिर आप लोग को और भी मस्त सा नज़ारा दिखाते हैं। ये देखो भाई क्या नज़ारा लग रहा है, मस्त वाला एकदम। ये देख रहा फ्लाईओवर प्लस साइड में, सामने की साइड देखो माउंटेन एकदम मस्त वाला लुक दे रहा, प्लस ट्री पौधा का। तो भाई मतलब जब पहाड़ पे पौधा हो ना, तो उसका सीन ही कुछ अलग हो जाता है, एकदम नेक्स्ट लेवल वाला। प्लस ये फ्लाईओवर, पता नहीं ये क्रॉसिंग वाला है फिर कोई सामान ढोने वाला है, मे भी मेरे ऐसा ख्याल से क्रॉसिंग ब्रिज ये बना रहा है। ये देख रहे हो फ्लाईओवर, वही बन रहा है भाई। भाई ये नज़ारा दिख रहा है, ये देखो भाई पहाड़ के ऊपर से पानी कैसे गिर रहा है। अभी तो उतना स्लो स्लो गिर रहा है, जब बारिश होता है ना तो भयानक वाला फुपकारा एकदम, जो झरना होता है ना वैसा गिरता है। प्लस इधर देखो नीचे क्या क्या पत्थर को चूर चूर के एकदम ऐसे तरीके से मतलब बनाया गया, प्लस नीचे से गंगा जी का पानी बह रहा है। और अपन लोग जोशीमठ जाना है, तो अभी अपने को भाई मतलब इतना चल रहा है ना, इतना फोर व्हीलर चला रहे हैं ना, फिर भी किलोमीटर पता ही नहीं चल रहा भाई। चला रहे हैं तकरीबन आधा घंटा से, आधा घंटा में मात्र सोचो ना तो 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर सिर्फ गाड़ी आगे बढ़ रही है। कैसा रोड है सोच के बता सकते हो। तो ऐसा हाल हो गया भाई अपना। और प्लस ये देखो सामने का व्यू देखो, क्या ही भयानक वाला व्यू लग रहा है, मेरे को काफी प्यारा लग रहा है। अभी नहीं भी ना तो कम से कम यहाँ से अपने को चलना है 40-50 किलोमीटर, मान लो तो 4 घंटा लगेगा मेरे ऐसा ख्याल से, 50 किलोमीटर 4 आवर्स। तो मैं भी अभी 12 बज रहा है, 4 बजे तक पहुँचे अपन लोग जोशीमठ, फिर वहाँ पे अपन लोग रेस्ट करेंगे और फिर कल सुबह अपन लोग निकलेंगे, समझ रहे हो ना, बद्रीनाथ की तरफ। और फिर बद्रीनाथ से एक ट्रिप और अपना होगा, जो कि परसों का ट्रिप होगा। तो अभी तो भाई ट्रिप ही ट्रिप है, कंटिन्यू एकदम ट्रिप ही चल रहा है। प्लस ऊपर देखो ना पहाड़ भाई, सो भाई कितना भी चला रहे है ना तो भाई किलोमीटर कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है, थक गए भाई चलाते चलाते एकदम, पूछो ही मत, इतना चढ़ाव इतना मतलब एकदम ऐसे ऐसे जिग जैग रोड है ना भाई, कर्व एकदम रोड है ना, कि भाई चला चला के एकदम थक गए। एक घंटा में मानो तो 8 किलोमीटर फिर 10 किलोमीटर के आसपास ऐसे चल रहा है बाइक कार अपना, तो सोचो कैसे मतलब क्या ही बोल सकते हैं।
तो अभी देखते हैं, शायद 3-4 बज जाए अपने को पहुँचते पहुँचते। उसके बाद अपन लोग वहाँ पे रेस्ट करेंगे, वहाँ का आपको कुछ व्यू दिखाएंगे काफ़ी तगड़ा वाला, और फिर नेक्स्ट वीडियो में अपन लोग बद्रीनाथ ट्रिप पे निकलेंगे, और उसके नेक्स्ट वाले में स्पेशल वाला ट्रिप है जो कि मैं आपको उसी दिन बताऊँगा। तो अभी फ़िलहाल यहाँ से निकलते हैं, बीच रोड पर रुक के आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं गाइस। तो अभी वीडियो को यहाँ पे पॉज करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। भाई व्यू देखो, देख रहे हो वहाँ, प्लस देखो भाई पहाड़ इतना भयानक है, इतना ठंडा ठंडा सा हवा आ रहा है ना, पूछो ही मत। अभी यहाँ से 15 किलोमीटर और अपने को जाना है। अब लोग यहाँ पे कार को लगाए हैं, थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं क्योंकि भाई काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा थकान हो चुका है, क्योंकि एसी बंद करके अपने को चढ़ानी पड़ रही, क्योंकि कोई भी गाड़ी को ना उतना पावर नहीं मिल पाती है जब ऊपर चढ़ोगे ना पहाड़ पे, तो एसी बंद करके तो ऊपर चढ़ाने में पावर मिलेगी, पर ना ऐसे पावर नहीं मिलती है, तो इसीलिए अपन एसी बंद करके ऊपर चढ़ा रहे थे। तो बाहर का हवा यार बहुत थकान दिया है, प्लस बहुत टाइम ले लिया है, और इधर का व्यू देखो भाई, एकदम पहाड़ तो एकदम भयानक है यार। सो अभी अपन लोग यहाँ से निकलते हैं, और राइडर्स लोग देखो भाई, बहुत सारे राइडर्स लोग इधर से जाते हैं, मतलब जाना चाहिए भाई। तो अभी अपन लोग यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि अपना कार में थोड़ा सा एसी का अंदर हवा ले रहा है, प्लस बाहर इतना ठंडा ठंडा हवा आ रहा है ना गाइस, ये बता ही नहीं सकते, इतना मस्त वाला ठंडा हवा आ रहा है। तो अभी यहाँ से निकलते हैं अपन लोग जल्दी से, और ये स्कूल से पढ़ के सारे बच्चे लोग घर जा रहे हैं। सो फाइनली भाई अभी अपन लोग को होटल मिल चुका है, और फिर ये देखो भाई पहाड़ का एकदम टॉप पे आ चुके हैं, और इधर के साइड ना बर्फ वाली पहाड़ दिख रही है, और ये अपना रूम है देख सकते हो, अंदर की साइड रूम है, ये अपना गैलरी है, और नीचे के साइड देखो ये अपना फोर व्हीलर, और ये सबसे टॉप है, और उससे ऊपर वो वाली टॉप है एकदम होटल। तो अपन लोग इधर ही लिए, देखो उधर बादल एकदम पहाड़ पे ही है, बहुत ही ऊपर है, मतलब मान लो ना तो नहीं भी तो 2 से 3 हज़ार फीट ऊपर है अपन लोग नीचे से, इतना ऊपर आए। और फिर अपन लोग को रूम मिला बहुत मेहनत से, बहुत ज़्यादा थके हुए अभी हम लोग, तो भाई क्या ही बोल सकते हैं, रूम काफ़ी मस्त अपन लोग लिए। ये देखो ये सौम्य, और फिर ये अपना रूम है भाई, बड़ा सा रूम है, बहुत मस्त सा रूम है, सारे लोग ऊपर कपड़ा लेके आ गए और अभी सो रहे हैं, हम भी सोएंगे थोड़ा सा, और फिर उसके बाद देखते हैं शाम में कुछ इधर उधर वीडियो बनाते हैं, उसके बाद फिर सुबह अपन लोग बद्रीनाथ की तरफ निकलेंगे। तो अपन लोगों को तो रूम मिल गई है गाइस, और अपन लोग काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं, सो मैं सोच रहा हूँ अभी अपन लोग रेस्ट कर लूँ, क्योंकि रेस्ट करेंगे तब भाई शाम में कुछ होगा, प्लस सुबह अपन लोग सवेरे ही निकलना पड़ेगा 5-6 बजे के आसपास ही, क्योंकि बद्रीनाथ यहाँ से तकरीबन 40 किलोमीटर है, और रोड ऐसा है ना कि 5-6 घंटा तो आराम से लेगा, 4 घंटा तो आराम से लेगा, क्योंकि 10 किलोमीटर 1 घंटा से ऊपर लगता है जाने में, ऐसा रोड है, समझ ही सकते हो, जिगजैग प्लस ऊपर नीचे, तो डेंजरस रोड है, तो उसमें 1 घंटा तो लगता ही है। तो सोच रहे हैं यहाँ पे वीडियो को एंड करें, तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करना गाइस। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, अपने मम्मी पापा का ख्याल रखना, और ऐसे ही हमारे वीडियो देखते रहना। तो बाय बाय, जय श्री राम गाइस, बाय बाय।